कैसे हैं सब लोग? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 5 साल बीत गए। कैसे बीते 5 साल? अच्छे बीते, बहुत अच्छे बीते। खूब काम किया 5 साल में, किया कि नहीं किया? बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, नालियां, गलियां, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, महिलाओं का फ्री सफर, इतने काम करे मैं तो लिस्ट भी मैं भूल जाता हूं। इतने काम करे 5 साल में। आपके हर परिवार का बड़ा बेटा बन के काम करे, आपका बड़ा भाई बन के काम करे। मानते हो नहीं मानते मेरे को अपना बेटा? मानते हो नहीं मानते अपना भाई? एक बड़े बेटे का क्या काम होता है? एक बड़े बेटे की क्या जिम्मेदारी होती है? घर में बिजली का बिल आएगा तो बड़ा बेटा भरेगा। मैंने आपके बिजली के बिल भरे नहीं भरे? जिस जिस के जीरो बिल आ रहे हैं जरा हाथ खड़े कर दो। क्या बात है, सबके जीरो बिल आ रहे हैं। बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है पानी का बिल आएगा, बड़ा बेटा भरेगा। मैंने आपके पानी के बिल भरे नहीं भरे? जिस जिस के जीरो पानी के बिल आ रहे हैं हाथ खड़े कर दो जरा से। बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है घर में जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं सबकी पढ़ाई की जिम्मेदारी बड़े बेटे की। आपके घर में जितने बच्चे हैं सबकी अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करा नहीं करा मैंने? बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है घर में कोई इलाज हो जाए, घर में कोई बीमार हो जाए उसकी इलाज की जिम्मेदारी। मैंने आपके घर में कभी कोई बीमार हुआ उसके इलाज का इंतजाम करा नहीं करा दिल्ली के अस्पतालों में? बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है घर के सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना, माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराना। पिछले 1 साल में 40,000 बुजुर्गों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराए, रामेश्वरम के दर्शन कराए, तिरुपति जी के दर्शन कराए, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, शिरडी महाराज, द्वारकाधीश, पुरी, कोणार्क, इतनी जगह के दर्शन करा के लाए। वो भी करवाए। दोस्तों, ये जितने बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करके आए इतने खुश, इतना आशीर्वाद दे रहे थे। पिछले 5 साल में एक पैसा नहीं कमाया मैंने, केवल बुजुर्गों का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद और प्यार कमाया, दुआएं कमाई हैं केवल। अब दोस्तों, ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, सारे देश की पार्टियां आ गई दिल्ली में। इस बार दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, एलजेपी, जेडीयू, पता नहीं कहां कहां से पार्टियां इकट्ठी होके आ गई। ये सारी पार्टियां इकट्ठी होके दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं आपके बेटे के खिलाफ। इनका एक ही मकसद है केजरीवाल को हराना, इनका एक ही मकसद है आपके बेटे को हराना, आपके भाई को हराना। और जब इनसे काम नहीं चला तो अब ये बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर मैदान में उतर रहे हैं। अमित शाह जी आ गए, इनके 11 मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके 70 केंद्रीय मंत्री, ये सारे जने इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों? एक छोटे से आदमी को हराने के लिए। बताओ, मैं छोटा सा आदमी, दिल्ली आधा राज्य, आधे राज्य का मुख्यमंत्री, मेरे को हराने के लिए सारे जने इकट्ठे हो गए, सारे जने। मैं कहता हूं स्कूल बनवाऊंगा, ये कहते हैं केजरीवाल को हराओ। मैं कहता हूं अस्पताल बनवाऊंगा, ये कहते हैं केजरीवाल को हराओ। मैं कहता हूं बिजली ठीक करूंगा, ये कहते हैं केजरीवाल को हराओ।
अभी विजय रूपानी जी 3 दिन पहले एक जगह दिल्ली में सभा कर रहे थे, मेरे को खूब गालियां दे रहे थे, खूब गालियां दे रहे थे। अब दिल्ली की जनता मेरे को प्यार करती है, जनता से नीर आ गया। एक आदमी जनता में खड़ा होकर बोला, विजय जी एक बात बताओ, आप गुजरात के मुख्यमंत्री हो? वो बोले हाँ हूं। बोले ये बताओ गुजरात में बिजली क्या रेट है? गुजरात में बिजली क्या रेट है? वो बोले 10 रुपए यूनिट। बोले जी यहां तो केजरीवाल ने बिजली फ्री कर रखी है। बोले आप अपने गुजरात जाओ, अपने गुजरात को संभालो, हमें भाषण देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली वालों को भाषण देने की जरूरत नहीं है। उनको वापस गुजरात भेज दिया, उसके बाद दोबारा नहीं आए वो। उसके बाद अगले दिन खट्टर साहब आए, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो भी खड़े हो गए, गाली देने लगे, मेरे को खूब गालियां दी उन्होंने। अब जनता से नीर आ गया, जनता बोली खट्टर साहब एक बात बताओ, हरियाणा में बिजली कितने घंटे आती है? खट्टर साहब बोले दिन में 10 घंटे। अपने दिल्ली वाले बोले जी केजरीवाल ने तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर रखी है। खट्टर साहब अपने हरियाणा जाओ, हरियाणा की बिजली संभालो। खट्टर साहब को भी वापस भेज दिया, दोबारा शक्ल नहीं दिखाई खट्टर साहब ने। आजकल योगी जी घूम रहे हैं दिल्ली में, 2 दिन से योगी जी जगह जगह घूम रहे हैं। योगी जी बोले केजरीवाल के स्कूल खराब, केजरीवाल के अस्पताल खराब, बीजेपी को सत्ता में लाओ, हम दिल्ली के सारे स्कूल अस्पताल यूपी जैसे बना देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूपी जैसे बनाने हैं स्कूल अस्पताल? तो अब योगी जी आपके इलाके में आए तो उनको भी वापस यूपी भेज देना, बोलना दिल्ली के आने की जरूरत नहीं, हमारे स्कूल अस्पताल ठीक है। तो दोस्तों अभी और भी बहुत काम करने हैं अगले 5 साल में, अपने को यमुना साफ करनी है, दिल्ली की सफाई करनी है, और खूब सारी बसें लेके आनी है। दिल्ली में 24 घंटे पानी का इंतजाम कर रहा हूं मैं, पानी का इंतजाम हो गया, 2-3 साल के अंदर आपके हर घर के अंदर टूटी से 24 घंटे पानी आएगा, साफ पानी आया करेगा। बसों की भी खरीद शुरू हो गई है, बसों की अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप जितनी बसें कहोगे आपके इलाके से उतनी बसें चलवा देंगे हम लोग। तो दिल्ली के लिए कई सारी बड़ी बड़ी योजनाओं का मैंने प्लानिंग करी है, जैसे पिछले 5 साल में खूब काम किया था, अगले 5 साल भी आप सब लोगों के साथ मिलके खूब काम करने हैं। अब मेरी गुजारिश, बीजेपी और कांग्रेस के कुछ लोग खड़े होंगे, उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी अपील है, देखो 5 साल पहले आप में से कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने भाई साहब किसी में भेदभाव नहीं करा, मैंने बीजेपी वालों का भी अपना भाई माना, कांग्रेस वालों को भी माना, आम आदमी पार्टी वालों को भी माना, मैं सबका मुख्यमंत्री हूं, मैंने सबके काम करे। बीजेपी वाला मेरे घर आया, मैंने उसके भी काम करे, कांग्रेस वाला मेरे घर आया, मैंने उसके भी काम करे। बीजेपी का इलाका था, मैंने सड़कें वहां भी बनवाई, गलियां उनकी भी बनवाई, पानी की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन बीजेपी और कांग्रेस के इलाकों में भी डाली, स्कूल ठीक करे, वहां पे बीजेपी वालों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कांग्रेस वालों के भी पढ़ रहे हैं, सबके लिए काम करा मैंने। अब मेरी हाथ जोड़ के अपील है अपने सारे बीजेपी कांग्रेस वालों से, मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आओ, आप अपनी पार्टी में रहो, लेकिन इस बार वोट सारे जने झाड़ू पे डाल देना। आप पूछोगे क्यों? भाई साहब 5 साल पहले दिल्ली के अस्पताल और स्कूल बहुत खराब थे, बहुत ज्यादा। इन 5 सालों में मैंने बहुत मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी है, रात दिन 24 घंटे मेहनत करी है, तब इनको ठीक किया हम लोगों ने। अब अगर आपने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया, ये फिर खराब हो जाएंगे स्कूल अस्पताल।
मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, पर दिल्ली की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए इस बार सारे जन अपनी पार्टी भूल के झाड़ू के ऊपर मोहर लगा देना, झाड़ू का बटन दबा देना। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और पिछले 5 साल केजरीवाल ही आपके काम आया था, जब आपके स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ा रहे थे ये लोग, बीजेपी कांग्रेस आपके काम नहीं आए थे, केजरीवाल ने जाके आपके स्कूल की फीस कम कराई थी। पिछले 5 साल में जब भी आपके घर में कोई बीमार हुआ, बीजेपी कांग्रेस वाले आपके सुध लेने नहीं आए थे, केजरीवाल ने आपके बच्चों के इलाज का इंतजाम करा था। अगले 5 साल भी केजरीवाल ही काम आएगा आप लोगों के। अपना दिल्ली एक परिवार की तरह बनता जा रहा है, अपने 2 करोड़ लोग सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं, एक बड़ा परिवार बनता जा रहा है। कोई बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारे जने एक हैं और हम सारे जने मिलके अब दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं, दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे हम सारे जने मिलके। अभी 2-4 दिन पहले ये बीजेपी वाले, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोले केजरीवाल आतंकवादी है। बताओ मैं आतंकवादी दिखता हूं? कहीं शक्ल से दिखता हूं, छोटा सा आदमी हूं, कहां से आतंकवादी हो गया मैं? आतंकवादी कोई बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करता है? आतंकवादी कोई लोगों का इलाज कराता है? आतंकवादी लोगों को तीर्थ यात्रा में भेजता है? आतंकवादी वैष्णो देवी के दर्शन कराता है? भाई साहब, अपना तन मन धन सब कुछ आपके लिए नौछावर कर रखा, सब कुछ देश के लिए नौछावर कर रखा, लेकिन फिर भी जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल आतंकवादी है, 8 तारीख को जाके कमल का बटन दबा देना। और जिन लोगों को लगता है केजरीवाल आपका बेटा है, जिन लोगों को लगता है केजरीवाल आपका भाई है, जिन लोगों को लगता है मैंने दिल्ली के लिए काम किया है, सारे जने जाके झाड़ू का बटन दबा देना। भारत माता की, इनकलाब।